जय हिंद। प्रेसिडेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, और इससे पिछले वाले सेशन में हमने प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स के बारे में बात की थी। अगर बहुत फटाफट से रिवाइज करें तो हमने बात की थी आर्टिकल 123 के बारे में। आर्टिकल 123 डील करता है प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स से। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ऑर्डिनेंस को इश्यू कब किया जा सकता है। बहुत सिंपली, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब ऑर्डिनेंस को इश्यू किया जा सकता है। कोई भी ऑर्डिनेंस अगर इशू किया गया है तो उसमें सेम इफेक्ट होगा, उसमें सेम पावर होगा जैसे किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में होता है। ऑर्डिनेंस सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पे इशू किया जा सकता है जिन सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर है, और वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पे लागू होती हैं वो ऑर्डिनेंस पे भी लागू होंगी। इसके अलावा अपन ने ये भी देखा था कि ऑर्डिनेंस अगर इशू कर दिया गया है तो पार्लियामेंट जब भी रीअसेंबल होगा उसके विद इन 6 वीक्स में पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ हो सकती है 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, 6 महीने प्लस 6 हफ्ते एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ हो सकती है। और एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज कि ऑर्डिनेंस को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए इशू नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ये सारी बेसिक बातचीत अपन ने इससे पिछले वाले सेशन में की थी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर हो सके तो शेयर कर दो जिसको इसकी ज़रूरत है। अच्छा, अब शुरू करते हैं अपन आज की बात। आज अपने को बात करनी है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स के बारे में। प्रेसिडेंट को माफ़ करने की पावर्स दी गई हैं, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं वो आज अपन देखेंगे। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 72, जो कि बात करता है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स के बारे में, प्रेसिडेंट की माफ़ करने की पावर्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को किसी कोर्ट ने कोई सजा सुना दी, तो हमारे प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो उस इंसान को पार्डन कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, और ये पावर्स दी गई हैं प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 72। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि प्रेसिडेंट को पार्डन करने की पावर्स दी क्यों गई। उसके दो बड़े सिंपल से रीजंस हैं। एक रीज़न तो ये है कि जुडिशरी से ही कोई गलती हो गई। जुडिशरी से गलती हो सकती है, वहाँ भी तो इंसान ही बैठे हुए हैं, और उस जुडिशियल एरर के चलते किसी इंसान को गलत तरीके से कन्विक्ट कर दिया गया है, किसी इंसान को रॉन्गफुली पनिश कर दिया गया है। किसी जुडिशियल एरर के चलते कोई इनोसेंट इंसान गलत तरीके से पनिश ना किया जाए, इस जुडिशियल एरर को सुधारने का, करेक्ट करने का स्कोप प्रोवाइड करता है आर्टिकल 72। एक रीज़न। और दूसरा रीज़न ये है कि प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि किसी इंसान ने क्राइम किया लेकिन जो पनिशमेंट दिया गया उसको वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को थप्पड़ मारा और आपको फांसी की सज़ा सुना दी गई। इन दोनों बातों की कोई तुक नहीं बनती, ये तो जाती है आपके साथ में। ऐसा किसी के साथ में गलत ना हो, इसको भी सुधारने का स्कोप प्रोवाइड करता है आर्टिकल 72। अपन दूसरी भाषा में कहें तो दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि किसी इंसान को जुडिशियल एरर के चलते गलत तरीके से पनिश कर दिया गया है, या फिर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि जितना क्राइम किया है उससे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दे दिया गया है, तो प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। किन केसेज में प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर्स को यूज़ कर सकते हैं? 3 सिनेरियोज हैं। कौन कौन से? पहला, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल, और कोर्ट मार्शल अपने को पता है मिलिट्री कोर्ट्स करते हैं। कोर्ट मार्शल के चलते किसी इंसान को पनिश किया गया है, किसी इंसान को कोई सजा सुनाई गई है, तो ऐसे कोर्ट मार्शल के सभी केसेस में प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर्स को यूज कर सकते हैं। दूसरा, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी यूनियन लॉ, यूनियन लॉ के वायलेशन के लिए, यूनियन लॉ के ऑफेंस के चलते अगर किसी इंसान को पनिश किया गया है, किसी इंसान को सेंटेंस किया गया है, तो ऐसे सभी केसेस में भी प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। पहला, कोर्ट मार्शल के केसेस में। दूसरा, यूनियन लॉ के ऑफेंस के चलते अगर किसी को पनिश किया गया है, और यूनियन लॉ अपने को समझ में आता है, 3 लिस्ट पड़ी हुई है अपन ने। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, और तीसरी होती है स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाने की पावर किसकी? यूनियन की। कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बनाने की पावर दोनों की है, यूनियन की भी है और स्टेट लेजिस्लेचर्स की भी है। और स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने की पावर किसकी? स्टेट्स की। अब सब्जेक्ट चाहे यूनियन लिस्ट का हो, चाहे सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट का हो, अगर कानून यूनियन ने बनाया है तो वो कहलाएगा यूनियन लॉ, और ऐसे किसी भी यूनियन लॉ के ऑफेंस के चलते अगर किसी को पनिश किया गया है तो उन केसेस में प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर्स को यूज कर सकते हैं। तीसरा, इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा सुना दी गई है, तो वहां भी प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर्स को यूज कर सकते हैं। कौन कौन से? 3 सिनेरियोज हैं। कोर्ट मार्शल के पनिशमेंट्स में,
यूनियन लॉ के ऑफेंस के पनिशमेंट में अगर किसी को पनिश किया गया है, और तीसरा अगर फांसी की सजा सुना दी गई है, तो इन तीनों केसेस में प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि प्रेसिडेंट हर केस में माफ़ ही करें, हो सकता है किसी केस में पनिशमेंट थोड़ा कम कर दें। और वही लिखा हुआ है आर्टिकल 72 की लैंग्वेज में, क्या लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स रिप्राइज रेस्पाइट्स और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट एंड टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। और फिर तीन केसेस दे रखें। इस आर्टिकल में कुछ टर्म्स यूज किए गए जैसे पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, कम्यूट वगैरह वगैरह। इन टर्म्स के मतलब क्या है अपन समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और, प्रेसिडेंट जब भी अपनी पार्डनिंग पावर्स को यूज करते हैं तो प्रेसिडेंट जुडिशरी से इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी अपना अलग काम कर रही है, केसेस सुन रही है, जो लग रहा है उसको कन्विक्ट कर रही है, जो लग रहा है उसको छोड़ रही है। प्रेसिडेंट का कोई लेना देना नहीं है जुडिशरी से जब प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं। और दूसरा, प्रेसिडेंट डज नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील। आमतौर पे क्या होता है, किसी लोअर कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट सुनाया, उसके अगेंस्ट में अपील करने का अधिकार है आपके पास में, हायर कोर्ट में जा सकते हो आप। लेकिन जब प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं तो वो कोर्ट ऑफ अपील की तरह से नहीं बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सुनवाई की जाएगी, और अगर प्रेसिडेंट को ठीक लगेगा कि हाँ यार ये केस है जहाँ पे पार्डनिंग पावर्स को एक्सरसाइज करना चाहिए, तो प्रेसिडेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं, उनकी इच्छा है। कोर्ट ऑफ अपील की तरीके से नहीं बैठते हैं। और इसके बाद वही लिखा हुआ है कि वाई दी पार्डनिंग पावर इज गिवन टू द प्रेसिडेंट, क्यों दी गई है पार्डनिंग पावर्स। एक रीज़न है कि किसी जुडिशियल एरर के चलते कोई इंसान गलत तरीके से पनिश ना हो जाए, और दूसरा, जितना किसी इंसान ने क्राइम किया है उतना ही उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, किसी को अनड्यूली हार्श पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। ये दो रीजंस हैं। अच्छा, अब अपन ने कुछ टर्म्स देखे थे जो आर्टिकल 72 में दिए हुए हैं, उन टर्म्स के मतलब समझते हैं। पहला टर्म है पार्डन, और पार्डन का बड़ा सिंपल सा मतलब है किसी इंसान को प्रेसिडेंट ने पूरी तरीके से माफ़ कर दिया, पूरी तरीके से माफ़ कर दिया, तो टर्म यूज होता है पार्डन। रिमूव बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्जॉल्व द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस पनिशमेंट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। पूरी तरीके से किसी इंसान को अगर माफ़ कर दिया गया है तो उसे बोलते हैं पार्डन। दूसरा टर्म है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब है कि आपको जो पनिशमेंट सुनाया गया था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है किसी लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से। फॉर एग्जाम्पल, आपको सजा सुनाई गई थी डेथ सेंटेंस की, आपको फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन प्रेसिडेंट ने अपनी पार्डनिंग पावर्स को यूज़ किया और प्रेसिडेंट ने इस डेथ सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट कर दिया रिगरस इम्प्रिजनमेंट से, कि अब आपको फांसी नहीं दी जाएगी लेकिन हाँ रिगरस इम्प्रिजनमेंट आपको जीना पड़ेगा। तो कम्यूटेशन का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। पार्डन में पूरी तरीके से माफ़ कर देते हैं, कम्यूटेशन में जो आपको पनिशमेंट दिया गया है उसकी जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है किसी लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से। तीसरा टर्म है रेमिशन। रेमिशन का मतलब है कि जो आपको पनिशमेंट दिया गया है कैरेक्टर वही रहेगा लेकिन टाइम पीरियड को कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सजा सुनाई गई रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 4 ईयर्स, तो कैरेक्टर तो सेम रहेगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही रहेगा लेकिन टेन्योर कम कर देंगे। प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट लेकिन टाइम पीरियड कम कर दो 2 ईयर्स। जब कैरेक्टर सेम रखा जाए लेकिन टेन्योर को कम कर दिया जाए तो बोला जाता है रेमिशन, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। पार्डन में पूरी तरीके से माफ कर रहे हैं, कम्यूटेशन में जो आपको पनिशमेंट दिया गया था उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से, और रेमिशन में कैरेक्टर सेम रख रहे हैं लेकिन टेन्योर कम कर रहे हैं। और चौथा टर्म है रेस्पाइट। रेस्पाइट में एसपी आता है, और इस एसपी से याद रखो कि स्पेशल फैक्ट्स के चलते, स्पेशल केसेस के चलते अगर किसी के पनिशमेंट को कम किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं रेस्पाइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको सजा सुना दी गई है। अब प्रेग्नेंट वुमेन अकेली तो है नहीं, एक छोटी जान भी है उसके अंदर, तो ऐसे स्पेशल केसेस में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपनी पार्डनिंग पावर्स को यूज़ कर सकते हैं और पनिशमेंट को कम कर सकते हैं, लेसर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन रेस्पाइट। और फाइनल टर्म है रिप्राइव। रिप्राइव का सीधा सा मतलब है कि टेम्परेरी पीरियड के लिए आपको जो सजा सुनाई गई है उसके एग्जीक्यूशन को स्टे कर दिया जाए, और ये यूजुअली होता है डेथ सेंटेंसेस के केसेस में। फांसी लगनी है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए उस सेंटेंस के एग्जीक्यूशन पर स्टे लगा देते हैं ताकि उस आदमी को प्रॉपर टाइम मिल जाए अपनी मर्सी पिटीशन वगैरह फाइल करने का। 5 टर्म्स हैं। पार्डन मतलब पूरी तरीके से माफ़ करना, कम्यूटेशन कम्यूटेशन
आपको जो पनिशमेंट दिया गया है उसको लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से सब्स्टिट्यूट करना। रेमिशन, रेमिशन का मतलब कैरेक्टर सेम रखेंगे लेकिन टेन्योर कम कर देंगे। रेस्पाइट का मतलब स्पेशल केसेस के चलते अगर आपके पनिशमेंट को कम किया जा रहा है। और रिप्राइव मतलब टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आपके एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा देना। ये पास्ट टर्म्स हैं। और ये बात हुई प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स के बारे में। इसके बाद बात आती है गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स के बारे में। और गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स की बात की गई है आर्टिकल 161 में। और एक लाइन में समझ में आ जाएगा, गवर्नर पार्डन कर सकते हैं सिर्फ किन केसेस में? सिर्फ उन केसेस में जब स्टेट लॉ के वायलेशन के लिए, जब स्टेट लॉ के ऑफेंस के लिए किसी इंसान को पनिश किया गया है, किसी इंसान को सेंटेंस किया गया है स्टेट लॉ के वायलेशन के लिए, अगर किसी को पनिश किया गया है तो ऐसे सभी केसेस में गवर्नर अपनी पार्डनिंग पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से अपन डिफरेंस समझ सकते हैं गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स में क्या डिफरेंस है। एक तो अपने को पता ही है कि स्टेट लॉ का कोई ऑफेंस है तो उस पर पावर किसकी पार्डन करने की? गवर्नर की। और अगर यूनियन लॉ का कोई ऑफेंस है तो उस पर पार्डनिंग पावर किसकी? प्रेसिडेंट की। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, मार्शल लॉ के जितने भी केसेज हैं वहाँ पर पार्डनिंग पावर किसकी है? प्रेसिडेंट की है। मार्शल लॉ के केसेस में गवर्नर के पास में कोई पार्डनिंग पावर नहीं है। और दूसरा डेथ सेंटेंस का कोई केस है, फांसी की अगर किसी को सजा सुनाई गई है तो डेथ सेंटेंस को पूरी तरीके से पार्डन करने का राइट किसका है? प्रेसिडेंट का है। डेथ सेंटेंसेस को पार्डन करने का अधिकार गवर्नर के पास में नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखी जाए कि गवर्नर अगर चाहें तो डेथ सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, गवर्नर अगर चाहें तो डेथ सेंटेंस को रेमिट कर सकते हैं, गवर्नर अगर चाहें तो डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से पार्डन नहीं कर सकते डेथ सेंटेंस को। पूरी तरीके से अगर पार्डन करना है तो वो पावर किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में। मतलब ये जो डेथ सेंटेंस के केस में सस्पेंशन की, रेमिशन की और कम्यूटेशन की पावर है ये प्रेसिडेंट के पास में भी है, गवर्नर के पास में भी है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, डेथ सेंटेंस भले ही सुनाया गया हो स्टेट लॉ के वायलेशन के लिए, भले ही सुनाया गया हो यूनियन लॉ के वायलेशन के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेथ सेंटेंस को पूरी तरीके से पार्डन करने का अधिकार किसका? प्रेसिडेंट का है। और ये बात हुई प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स के बारे में। अगर बहुत फटाफट से रिवाइज करें तो हमने बात ये की कि प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर्स हैं किन किन केसेस में? कोर्ट मार्शल के केसेस में, यूनियन लॉ के वायलेशन के केसेस में, और अगर किसी को डेथ सेंटेंस सुनाया गया तो। इसमें अपन ने 5 की टर्म्स देखे। एक देखा अपन ने पार्डन, पार्डन का मतलब पूरी तरीके से माफ़ करना। कम्यूटेशन का मतलब कि आपको जो सजा सुनाई गई है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से। फिर रेमिशन, रेमिशन का मतलब कि आपकी सजा का कैरेक्टर सेम रखेंगे लेकिन टेन्योर को कम कर देंगे। रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब स्पेशल केसेस में आपकी सजा को कम किया जा रहा है। और फाइनली रिप्राइव, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आपको जो सजा दी गई उस पर स्टे लगा दी गई है, उसके एग्जीक्यूशन पर स्टे लगा दी गई है। और गवर्नर किन केसेस में माफ करते हैं? स्टेट लॉ के वायलेशन के केसेस में। अच्छा, कोर्ट में पार्डनिंग पावर्स को लेके खूब वाद विवाद हुआ है और एक बड़ा फेमस केस है जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर से रिलेटेड, और वो केस है केहर सिंह केस 1988। और इसमें क्या कहा गया? एक तो द पेटिशनर फॉर मर्सी हैज नो राइट टू एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट। कोई प्रेसिडेंट के सामने मर्सी पिटीशन फाइल करे और फिर ये कहे कि मुझे तो ओरल हियरिंग भी मिलनी चाहिए, सुनवाई करो मेरी सामने बिठा के मुझे, ऐसा नहीं हो सकता। राइट टू ओरल हियरिंग नहीं है। प्रेसिडेंट के सामने आपने मर्सी पिटीशन फाइल की, उस मर्सी पिटीशन पे प्रेसिडेंट को क्या डिसीजन लेना है वो प्रेसिडेंट अपने आप डिसाइड करेंगे, ओरल हियरिंग वगैरह को कोई पंगा नहीं है। दूसरा, द प्रेसिडेंट कैन एग्जामिन द एविडेंस अफ्रेश एंड टेक अ व्यू डिफरेंट फ्रॉम द व्यू टेकन बाय द कोर्ट। कोर्ट ने किस तरीके से एविडेंसेस को देखा, कोर्ट ने क्या व्यू पॉइंट लिया, वो कोर्ट का व्यू पॉइंट है। प्रेसिडेंट अगर चाहें तो पूरा अलग व्यू पॉइंट ले सकते हैं और पूरा अलग तरीके से एविडेंसेस को देख सकते हैं। मतलब जुडिशरी से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए। तीसरा, द पावर इज टू बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। अपनी इच्छा से किसी को पार्डन नहीं कर रहे हैं, यहां पे भी प्रेसिडेंट काम करते हैं यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे। द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव reasons फॉर his ऑर्डर। प्रेसिडेंट ने आपको पार्डन किया नहीं किया, प्रेसिडेंट कोई रीजन देने के लिए बाध्य नहीं है। रीजन देना चाहेंगे तो दे देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे। फिफ्थ पॉइंट, द प्रेसिडेंट कैन अफोर्ड रिलीफ नॉट ओनली फ्रॉम अ सेंटेंस दैट ही रिगार्ड्स एज अनड्यूली हार्श बट ऑल्सो फ्रॉम एन एविडेंट मिस्टेक। और ये अपन ने बात करी ली, प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लगता है कि कोई जुडिशियल एरर हो गई है तो भी माफ़ कर सकते हैं, पार्डनिंग पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि जितना क्राइम किया उससे कहीं ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दिया जा रहा है तो भी प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट, द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू।
प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं उनको जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट बड़ा अजीब है, कोर्ट ने आगे एक चीज़ और कह दी, एक्सेप्ट वेयर द प्रेसिडेंशियल डिसीजन इज आर्बिट्री, इरेशनल, मैलिफाइड और डिस्क्रिमिनेटरी। अगर लग रहा है कि प्रेसिडेंट ने जो डिसीजन लिया है वो आर्बिट्री है, इरेशनल है, गलत है, तो वहाँ पर जुडिशियली रिव्यू कर भी सकते हैं। दोनों ही बातें कह दी हैं कोर्ट ने। और लास्ट पॉइंट, वेयर द अर्लियर पिटीशन फॉर मर्सी हैज बीन रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, स्टे कैन नॉट बी ऑब्टेंड बाय फाइलिंग अनदर पिटीशन। अगर एक बार प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया तो दोबारा दूसरी मर्सी पिटीशन फाइल करके स्टे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। और ये कहा गया कहर सिंह केस में, और इसके साथ प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स खत्म हो गई। बहुत जल्दी से अगर रिवाइज करें तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 72 के बारे में, जिसमें बात की गई है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स के बारे में। तीन केसेज है जहाँ प्रेसिडेंट पार्डन करते हैं, कोर्ट मार्शल के केसेस में, यूनियन लॉ के वायलेशन के केसेस में और डेथ सेंटेंस के केसेस में। पांच की टर्म्स हैं, इनको याद रखना बेहद ज़रूरी है। पार्डन पूरी तरीके से माफ़ करना, कम्यूटेशन का मतलब कि आपको जो पनिशमेंट दिया गया है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है लाइटर फॉर्म से। रेमिशन का मतलब कैरेक्टर सेम रखा जाएगा पनिशमेंट का, टेन्योर कम कर दिया जाएगा। रेस्पाइट का मतलब स्पेशल केसेस में पनिशमेंट को कम करना। रिप्राइव का मतलब टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए आपके जो भी एग्जीक्यूशन है उस पर स्टे लगाना, उसको बोलते हैं रिप्राइव। और फिर गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स की बात की गई आर्टिकल 161 के अंडर, और गवर्नर पार्डन कर सकते हैं स्टेट लॉ के वायलेशन के केसेस में। और ये सारी बातचीत कहर सिंह केस, एक बार इसको देख लेना, याद हो जाए, मोटा मोटा याद रखो कि यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पे कर रहे हैं, रीज़न देना ज़रूरी नहीं है, ओरल हियरिंग का कोई राइट नहीं है, बाकी चीज़ें जितनी याद हो उतना ठीक, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पार्डनिंग पावर्स की बातचीत खत्म हो गई, एक टॉपिक और बचा इस चैप्टर का, वो अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।